हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लिलोजी रिपेयरिंग में। दोस्तों, आज मैं लाया हूं ये रिमोट कंट्रोल फैन रेगुलेटर। आज इसी को अपन रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इसका प्रॉब्लम है कि ये फोर्थ स्पीड में काम नहीं कर रहा है, बाकी 1, 2, 3 स्पीड में काम कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ये अपने सप्लाई वायर रहते हैं, इसमें अपन एसी इन करेंगे और ये फैन के लिए एसी आउट करता है ये वायर्स। और ये जो है अपना आईआर सेंसर है जो रिमोट से स्पीड कंट्रोल कराने के काम में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका टेस्टिंग करा देता हूँ कि फोर्थ स्पीड कैसे काम नहीं कर रही है। तो ये मैं एसी के वायर, आउटपुट के वायर मीटर से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, मैं मीटर से कनेक्ट कर दिया हूँ। मीटर को मैं 750 एसी वोल्ट के रेंज में मीटर को सेट कर दिया हूँ। तो अब मैं सप्लाई के वायर्स लगाता हूँ। मैंने सप्लाई इन कर दी है, आप देख रहे हैं 203 वोल्ट बन रहा है। ये अपना लो स्पीड है, स्टार्टिंग में ये एक नंबर स्पीड पे चलता है। इसके बाद जैसे ही आप एक नंबर प्रेस करेंगे, ये पहली स्पीड वही है। इसके बाद दो नंबर स्पीड अपन दबाएंगे रिमोट से, तो देखिए वोल्ट फ्लैक्चुएट हो गए, वही दो नंबर में। एम्पियर का बस फर्क रहता है, वोल्टेज का ज़्यादा फर्क नहीं रहता है इसमें। इसके बाद तीन नंबर स्पीड में दबा रहा हूँ, देखिए इस पर भी 215 वोल्ट बन रहा है। इसके बाद मैं फोर्थ स्पीड दबाता हूँ, ये देखिए फोर्थ स्पीड में अपना 38, 39, 40 वोल्ट बन रहा है, 38, 39, 40, 41 वोल्ट बन रहा है। तो ये जो है वोल्ट कम है फोर्थ स्पीड में, ये वोल्ट सबसे हाईएस्ट वोल्ट होना चाहिए। यहाँ अपना फैन सबसे स्पीड घूमता है, तो यहाँ पे मात्र और मात्र 42 वोल्ट बन रहे हैं, जो कि पंखा चलाने के लिए सफिशियंट नहीं है। तो आज इसी प्रॉब्लम को हम ठीक करेंगे। तो सबसे पहले मैं रेगुलेटर सप्लाई से हटा लेता हूँ और इसको खोल के वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा ही आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको ओपन कर लिया है और इस प्रॉब्लम को हम लाइन टू लाइन समझेंगे, नहीं कि ऐसे कि अपन डायरेक्ट फॉल्ट निकाल दिए और वीडियो को एंड कर दिए, ऐसा नहीं होगा, लाइन टू लाइन समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एसी इन, ये दो है यहाँ से, ये रेड वायर और ब्लैक वायर, एसी इन होता है और यहाँ से एसी आउट हो जाता है। तो इन से अपन चलते हैं, तो इनका एक वायर अपन पकड़ते हैं ये वाला। यहाँ से आप देखोगे ये ट्रैक से, यहाँ से ये फ्यूज लगाया, फ्यूज से ये ट्रैक इधर जाके और ये डायरेक्ट आउट में चला गया। तो एक वायर का तो काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद दूसरे वायर की अपन बात करें, तो यहाँ से ये देखोगे आप ट्रैक, ये ट्रैक इधर जा रहा है। इस ट्रैक से मैं वापस थोड़ा सा रिवर्स आ जाता हूँ, तो यहाँ पे ये जो एक सर्किट बना है, ये सर्किट जो बना है ये अपना 5 वोल्ट बनाने के लिए है डीसी, जो कि अपना इस आईसी को वर्क करने के लिए 5 वोल्ट रहता है। और आप जानते हो सेंसर के लिए भी अपने को 5 वोल्ट चाहिए रहता है, तो ये दोनों काम के लिए यहाँ से ये वोल्ट आईसी में जाएगा और आईसी से 5 वोल्ट सेंसर के लिए जनरेट होगा। तो अपन ये सर्किट कैसे बना इसके बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ से ये दूसरा वायर, ये पहला वायर जो डायरेक्ट गया था, यहीं से एक रेजिस्टेंस लग के यहाँ आया है। ये जो युक्तियाँ हैं ये अपना एसी हाई वोल्ट प्रोटेक्शन के लिए रहती हैं। और यहाँ से ये रेजिस्टेंस लग के और यहाँ से ये डायोड लगी है और यहाँ से ये डायोड लगी है और यहाँ से वोल्ट को कंट्रोल करके ये फिल्टर लगा दिया गया है। तो ये फिल्टर 5 वोल्ट जनरेट यहाँ से प्लस माइनस कर रहा है, लेकिन यहाँ से एक सर्किट, ये सर्किट 2 बार रिपीट हो रहा है, जो एसी डायरेक्ट भी जा रहा है। यहाँ से ये वायर डायरेक्ट भी जा रहा है और फिल्टर भी हो गया है। फिर यहाँ से आगे में फिर फिल्टर कैपेसिटर लगा के इसको फिर यहाँ से प्रॉपर 5 वोल्ट बनाया गया है। तो अब अपन चलते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ तक का क्लियर है मामला, तो अब अपन चलते हैं। एक वायर तो एसी का डायरेक्ट आउट हो गया है, दूसरा वायर अपन ट्रैक वाइज चलते हैं। तो यहाँ से अपन चल रहे हैं ट्रैक वाइज, ये ट्रैक आप पाओगे यहाँ आ रहा है, यहाँ आने के बाद इधर जा रहा है और यहाँ से ये यहाँ आया, यहाँ से एक बूस्ट कैपेसिटर लगा है और बूस्ट कैपेसिटर से ये देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये बूस्ट कैपेसिटर लग के और यहाँ से ये रेजिस्टेंस लगा है और रेजिस्टेंस के थ्रू ये वायर यहाँ आउट हो गया। तो ये डायरेक्ट अपनी पहली स्पीड हो गई। इसके बाद अपन दूसरी स्पीड की बात करते हैं। तो दूसरी स्पीड के लिए
ये मोसफेट है, तीसरी के लिए ये है और चौथी के लिए ये है। जब हम रिमोट से इसका एक नंबर प्रेस करते हैं तब तो ये डायरेक्ट चलता है, और दो नंबर जब प्रेस करेंगे तब ये मोसफेट स्विचिंग करेगा, तीन नंबर में ये मोसफेट और चार नंबर में ये मोसफेट स्विचिंग करता है। तो कैसे स्विचिंग करेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आप देखिए, ये मैंने मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे ले लिया है। अब मैं ये वाला जो ट्रैक है, कहीं से भी इसके मैं इसे प्रिंट उठा लेता हूँ, ये ट्रैक, ये ट्रैक, ये देखिए यहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है जैसे। तो मैं ये देखिए, यहाँ से मैं इसको देऊँगा, ये देखो डायरेक्ट है ये वाला मोसफेट का पॉइंट, इस मोसफेट का भी ये पॉइंट डायरेक्ट है और इस मोसफेट का भी ये डायरेक्ट है। तीनों मोसफेट के पहले पहले पॉइंट डायरेक्ट हैं, ये सोर्स हैं। इसके बाद इसके गेट पे जो है, ये इनका गेट है इधर वाला, गेट पे स्विचिंग होके यहाँ से कुछ पल्स जनरेट ये आईसी करेगी स्टेप वन बाय वन। जैसे दो नंबर दबाएंगे तो इसके लिए जनरेट करेगी, तीन नंबर दबाएंगे तो इसके लिए, और फोर्थ नंबर स्विच दबाएंगे रिमोट का तो इसके लिए स्विचिंग ये जनरेट करती है वोल्ट। यहाँ से ये फिर बाद में जैसे ही पल्स यहाँ जनरेट होगा इसके गेट पे, तो ये सोर्स से वोल्ट को ड्रेन में ट्रांसफ़र कर देगा। और यहाँ से फिर ये देखिए एक बूस्ट कैपेसिटर लगा है, अलग वैल्यू अलग अलग वैल्यू के हैं, और यहाँ से ये रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ से फिर एक फ्यूज़ टाइप रेजिस्टेंस लगा के ये तीनों का, ये आप देख रहे हैं सर्किट, यहाँ से ये आउट कर दे रहा है। जैसे इस मोसफेट का भी देखिए, यहाँ से ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस और यहीं पर आउट हो जा रहा है। तो अपना पहला स्पीड डायरेक्ट है, कैसे, यहाँ से ये गया ये बूस्ट कैपेसिटर, और यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस लगा और यहाँ से आउट हो गया। तो इस हिसाब से अब अपना फोर्थ स्पीड काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ से ये वोल्ट यहाँ आउट होगा और यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर ये रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ से आउट होके ये ट्रैक से निकल जाना है। अब अपन सीधे ही यहाँ इस पॉइंट पर सभी पॉइंट पर चेक कर लेते हैं वोल्ट। तो मैंने ये सबसे पहले एसी इन कर देता हूँ मैं, ये मैंने एसी वायर इन कर दिया है। अब एक पॉइंट जो सबसे पहले डायरेक्ट वाला था, मैं यहाँ पे मीटर की प्रोब लगा ले रहा हूँ। अब मैं रिमोट से पहले एक नंबर स्पीड दबाता हूँ, और एक नंबर दबाने के बाद मैं यहाँ वोल्ट चेक करता हूँ। ये देखिए 201 दो वोल्ट बन रहा है। इसके बाद मैं रिमोट से दो नंबर स्पीड दबाता हूँ, यहाँ पे भी वोल्ट बन रहा है। इसके बाद मैं तीन नंबर स्पीड दबाता हूँ, यहाँ पे फिर वोल्ट बन रहा है। इसके बाद मैं फोर्थ नंबर स्पीड दबाता हूँ, फोर्थ मैंने दबा दिया है ये देखिए। और फोर्थ दबाने के बाद मैं यहाँ वोल्ट चेक कर रहा हूँ, ये देखिए वोल्ट कम बन रहा है। तो मैं यहाँ से अब इसको ट्रैक को रिवर्स चलता हूँ। जैसा कि मैंने बताया फोर्थ नंबर का ये वाला मोसफेट होता है, तो यहाँ पे आप वोल्ट देखोगे, ये देखिए वोल्ट बन रहा है, और यहाँ से फिर ये वोल्ट यहाँ आ गया 229 वोल्ट, और यहाँ से ये फ्यूजेबल एक रेजिस्टेंस मैं आपको बताया यहाँ पे, ये देखिए इस रजिस्टर का वैल्यू जो है हाई हो गया है। तो ये रजिस्टर हम चेंज करेंगे, इस वैल्यू का रजिस्टर हाई हो गया है, ये करीबन 2.2-3.3 ओम की रही होगी, ये रजिस्टेंस हम चेंज कर देंगे और फिर देखते हैं अपना फोर्थ नंबर स्पीड बना कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मैं मीटर को रेजिस्टेंस मोड में लगा दिया हूँ, इसका कोई वैल्यू अपने को शो नहीं हो रहा है, फ्यूज टाइप रेजिस्टेंस है। ये मेरे पास दूसरी रेजिस्टेंस है, ये देखिए, साढ़े तीन ओम की रेजिस्टेंस है मेरे पास ये, इसकी जगह मैं ये वाली रेजिस्टेंस लगा देता हूँ।
ये मैंने लगा दी है। अब हम फिर से वही टेस्टिंग लेते हैं। तो मैं सबसे पहले मीटर को 750 की रेंज में रख के और प्रोब्स आउटपुट एसी से कनेक्ट करा लेता हूँ। ये मैंने कनेक्ट करा दी है। अब मैं सप्लाई इन देता हूँ। देखिए ये अपना पहला स्पीड चल रहा है। ये मैंने अब दूसरा स्पीड दबा रहा हूँ। ये देखिए दूसरा स्पीड मैंने प्रेस किया, वोल्ट बन रहा है। इसके बाद मैं तीसरा स्पीड प्रेस करता हूँ, ये देखिए वोल्ट बन रहा है 215 वोल्ट। इसके बाद मैं फोर्थ स्पीड प्रेस करता हूँ, ये देखिए 230 वोल्ट बन गया है फोर्थ स्पीड में भी। ये देखिए फोर्थ स्पीड मैंने दबाया और ये देखिए 230 वोल्ट बन रहा है। ये अपना किट ठीक हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।